झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र स्थित क्रशरों पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है, जिनमें गिरोह के 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो क्रेशर मालिकों से मजदूरों के नाम पर ठगी करते थे। जनपद झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र स्थित क्रेशरों पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस गिरोह का खुलासा करने के लिए सर्विलांस टीम और बड़ागांव थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया था। पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए SP सिटी विवेक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि SSP झांसी के पास एक सूचना आई थी कि गिट्टी क्रेशरों पर एक गैंग सक्रिय है, जो मजदूरों के नाम पर ठगी कर रहा था। आरोपी 5-6 मजदूरों को ले जाकर क्रेशर मालिकों को दिखा देते थे और उनसे रुपए लेकर फरार हो जाते थे। पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से ठगी की धनराशि से 45,000 रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही अवैध मादक पदार्थ व चाकू भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करके इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय को सूचना प्राप्त हुई थी कि बड़ागांव थाना क्षेत्र में एक गैंग एक्टिव है, जो क्रेशर्स पर और अन्य प्रतिष्ठानों पर मजदूर सप्लाई करने के नाम पर ठगी करता है। इनके काम करने का तरीका ये है कि किसी क्रशर पर जाते हैं और उनको कहते हैं कि हम आपको मजदूर उपलब्ध कराएंगे, उनसे एडवांस कुछ पैसे लेते हैं, एडवांस पैसा ले करके और 5-6-7 व्यक्तियों को दिखा देते हैं कि ये इतने मजदूर हैं, बाकी हम दूसरी जगह से जाके ला रहे हैं, और वो पैसा लेके भाग जाते थे। इस सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया, उसमें एक सर्विलांस टीम और सर्विलांस टीम के प्रभारी श्री आशीष मिश्रा निरीक्षक थे और दुर्गेश साथ में थे, और दूसरी टीम प्रभारी निरीक्षक बड़ागांव की है। उनके द्वारा 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ग्रुप का मास्टरमाइंड रघुवीर था, जो जालौन का रहने वाला है। अन्य 5 व्यक्ति छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जिनमें से 4 बिलासपुर के रहने वाले हैं और 1 दूसरे ज़िले का रहने वाला है। इनके कब्जे से जो ठगी की गई धनराशि है, उसमें से 45,000 रुपये बरामद हुए हैं। इनके कब्जे से चाकू बरामद हुए हैं और अवैध मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। इसमें इनका चालान करके ये भी अनावरण करने का प्रयास किया जा रहा है कि बड़ागांव थाना क्षेत्र के अतिरिक्त और कहां इनके द्वारा अपराध किए गए हैं। विवेचना जारी है, अन्य अभियोगों का अनावरण होने की उम्मीद है। झांसी से राम नरेश यादव की रिपोर्ट।